तो क्या आपने गौर किया कि पिछले कुछ वक्त से अनचाही कॉल्स की संख्या बढ़ गई है? कभी इंश्योरेंस, कभी लोन, तो कभी मकान बेचने वालों के कॉल आने लगे हैं। डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी में रजिस्टर करने के बाद भी कॉल्स आती हैं। कभी कभी फोन उठाने पर सामने से रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देती है। सवाल उठता है कि डीएनडी रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब रह जाता है? दरअसल अब कंपनियों ने डीएनडी से बचने का उपाय निकाल लिया है। वो बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट नंबरों से कॉल करवाती हैं, लेकिन बहुत जल्द ही इस पर भी नकेल कसेगी। तो आज हम इन अनचाही कॉल करने वालों की पोल खोलेंगे, लेकिन पहले देखिए कि लोग किस कदर परेशान हैं। जो जेन्युइन जो बैंक से कॉल आते हैं या कोई टेलीकॉम ऑपरेटर से कॉल आते हैं, राइट, तो इसके अंदर आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जेन्युइन है और कौन सा जेन्युइन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्कैम होने के और फ्रॉड होने के भी चांसेस है। ट्राई की तरफ से ऑलरेडी डू नॉट डिस्टर्ब फैसिलिटी होती है, वो एक्टिवेट होने के बावजूद भी आते हैं, वो फॉलो नहीं हो रही है ऑपरेटर से। तो ये बहुत परेशानी होती है, वो बताते हैं अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में होते हैं, क्लाइंट के साथ होते हैं, तो उसे नहीं फोन पिक करते, तो वो कंटिन्यूसली बचता रहता है। तो एक मन में ये रहता है कि अरे किसका फोन आ रहा है, वो देखे तो अरे ये तो स्पैम है। मतलब अननेसेसरी तो बहुत ही दिक्कत होती है, और आजकल में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है परेशानी। अनवांटेड कॉल जितने भी है, या इसके ऊपर आप रोक लगा दो, या एटलीस्ट परमिशन या तो उसके ऊपर रहना चाहिए कि तो जिसको काम है उसी से कॉल करो करके। अननेसेसरी आप किसी भी टाइम पे कॉल करते हो तो सामने वाला पर्सन लाइक नो माइट पर्सन कि वो किसी भी चीज़ में बिजी है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी काम के लिए अर्जेंट जा रहे हो, गाड़ी पे हो, और ऐसे कॉल्स आपको, और ये कॉल्स भी एक बार नहीं आते, वो लोग आपको एक बार कॉल करेंगे, फिर आपने अगर रिसीव नहीं किया तो वो दो तीन बार वापस कॉल करेंगे अलग अलग नंबर से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन से नंबर से और कौन कॉल कर रहा है। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग है, इसको कोई तो भी मतलब एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, और जो हमारा नंबर शेयर हो रहा है मार्केट में उसके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। इनफैक्ट आपको भी खराब लगता है कि उस आदमी को आप एब्रप्टली बोलते हैं कि आप डोंट कॉल मी लाइक दिस थिंग, आई डोंट वांट टॉक टू यू। कोई प्रॉपर्टी के लिए टेलीफोन कर रहा है, कोई बैंक अकाउंट के लिए कर रहा है, कोई किसी चीज बेचने के लिए, खरीदने के लिए, दिस इनमरस कॉल्स विच शुड बी इमीडिएटली स्टॉप एंड देयर शुड बी बिग बैन ऑन दिस इशू। मोस्ट ऑफ इट इज नॉनसेंस एंड इट्स नॉट रिलेटेबल, आई थिंक इट शुड बी टोटली स्टॉप। कि हम अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एकदम फोन आता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे हमारी गलतियाँ भी हो जाती हैं। उसके बाद हमारे को हमारे बॉस बोलते हैं यार ये क्या कर दिया ये वो करके। डीएनडी करा रहे हैं बट उसके बाद भी कोई फायदा नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू एंड, सो आई थिंक देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट, बिकॉज़ यू नो व्हेनेवर यू वांट टू बाय यू कैन कॉल डायरेक्टली टू दैट कंपनी और व्हाटएवर द सर्विस प्रोवाइडर इज। सर आई गॉट अ कॉल, सो दैट गाय वाज सेइंग कि आप सर हेल्थ चेकअप करवाते हो, तो आई सेड हाँ मैं करवाता हूँ, सर आप करवा लो। मैं क्या मैंने अभी करवाया 3 महीने, कोई बात नहीं दोबारा करवा लो सर, मैं क्यों करवाऊँ दोबारा। इज वेरी डिस्टर्बिंग, इस चक्कर में क्या होता है कभी कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो वी डोंट टेक फ्रॉम एन अननोन नंबर। आज के डेट में एक नया पैटर्न शुरू हो गया, आपको फोन आएगा, अगर आपके किसी ऐप ने आपको बता दिया वो स्पैम कॉल है, जैसे ट्रू कॉलर है, वो आप नंबर काट देंगे तो सेम कॉल आप दुखो दूसरे। और इस पूरे मुद्दे पर ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा से बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने। क्या आपका अनुभव भी कभी ऐसा रहा कि मीटिंग में बैठे हैं कोई फोन आया कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए या फिर ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए? हाँ बिल्कुल अनुभव रहा है, मैं भी। आखिरकार टेलीकॉम की एक खासियत ये है कि इसमें ना कोई खास है ना कोई आम है। TRAI ने एक DND शुरू किया था, लेकिन लोगों की शिकायत है कि DND में नाम डालने के बावजूद हमारे पास ये कॉल आते हैं, ऐसा कैसे संभव है? देखिए लोगों को समझना होगा एक बात, वो ये है कि जो फ्रेमवर्क हमारा अब तक का बना हुआ फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में ये है कि जो लोग कमर्शियल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको केवल उन्हीं लोगों तक कॉल करने की अनुमति है जिन लोगों ने DND में अपना नाम नहीं लिखाया है। जो रजिस्टर्ड टेलीमार्केटियर हैं वो हमेशा उन्हीं लोगों को कॉल करेंगे जो लोग उसमें रजिस्टर्ड नहीं है DND में, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो गया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना ये धंधा बना रखा है कि उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, 10 डिजिट का नंबर उन्होंने लिया किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से और उसके बाद उससे अपना इस प्रकार के कॉल करना शुरू कर दिया। तो ये जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उन्हीं लोगों के द्वारा क्रिएट की जा रही न्यूसेंस को बंद करने के लिए DND का ऐप बनाया गया था, तो वो कारगर काफी हुआ है। 1.5 मिलियन करीब 15 लाख टेलीफोन ऐसे हैं जो डिस्कनेक्ट किए गए हैं, आपको आश्चर्य होगा।
तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसमें ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं कि जो कॉल करता है उसकी बजाय हम इस पर ध्यान दें कि जिस कंपनी के बिहाफ पे कॉल कर रहा है उसको क्यों ना पकड़ा जाए, वो पकड़ना ज्यादा आसान। आपने बहुत अच्छी बात कही, और एक्चुअली यही इसी दृष्टिकोण से करीब 3 महीना पहले हम लोगों ने TRAI ने एक रेगुलेशन, डिटेल रेगुलेशन जारी किया है। उस रेगुलेशन में न केवल ऐसे लोग जो कि कॉल कर रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, बल्कि जिनके बिहाफ पर कॉल किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, वो बैंक चाहता है कस्टमर बनाना, या कोई बैंक कह रहा है कि हम इतना इंटरेस्ट रेट देते हैं, या किसी कारण से अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो वो भी जिम्मेवार होंगे। अगर वो भी अनरजिस्टर्ड नंबर से उनके बारे में कॉल आता है तो हम लोग बैंक से पूछेंगे कि आपने इस व्यक्ति को किस तरह से ऑथराइज कर दिया। जब बैंक वाला मना करेगा तब हम लोग बाकी इंक्वायरी करेंगे। तो कहने का मतलब है अभी जो लागू होगा, अभी जो सिस्टम जो बनाया गया है ये 3 महीने पहले चालू किया गया है, उसके बाद डिफरेंट कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के टाइम लाइन्स हैं, इसमें हम लोग ब्लॉकचेन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टाइम लाइन्स हैं। ये अंतिम जो कंप्लीशन की टाइम लाइन है संभवतः वो दिसंबर है, दिसंबर का अंत, 31 दिसंबर। एक और समस्या आ रही है सर कि अब कॉल करने वाला अपना नाम नहीं बताता, कुछ नहीं करता, अचानक से एक रिकॉर्डेड वॉइस चलना शुरू हो जाता है, आपको जवाब दें मना करें वो भी नहीं कर सकते हैं, अब कोई बड़ी हस्ती की आवाज में आपके पास आना शुरू हो जाता है, ये कितनी बड़ी समस्या है? देखिए ये तरह तरह की मतलब लोग तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, अब मैं उसके बारे में बहुत विवेचना नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा दुर्भाग्य से मान लीजिए आपने एक टेलीफोन लिया और आपने इस प्रकार का काम करना शुरू कर दिया किसी के बिहाफ पे, इंडिविजुअल को पकड़ना, आप पकड़े गए मान लीजिए, तो आपका पकड़ने के बाद हम पेनल्टी क्या लगाएंगे आपको? आपका टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो आप तो वैसे ही उसको फेंक देते कुछ दिनों के बाद, आप दूसरा ले लीजिएगा। अब ऐसी कोई चीज तो है नहीं कि भाई इनको आपको दोबारा टेलीफोन मिलेगा ही नहीं। अगर कोई बड़ी संस्था है जो ये काम कर रही है, उस संस्था का तो हम मान लीजिए एक रिसोर्स के बजाय सारे रिसोर्स काट सकते हैं। इसीलिए आपने अब संस्था को जिम्मेदार ठहराने वाली प्रक्रिया शुरू की। इसीलिए हमने जिस संस्था के बिहाफ पर वो कॉल कर रहा है उस संस्था को भी हम पूछेंगे कि भाई आपने इसको ऑथराइज क्यों किया। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं ट्राई चेयरमैन RS शर्मा। ट्राई भी इस बारे में और कुछ करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मोबाइल ऑपरेटरों की संस्था COAI के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज और टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उपल। आप दोनों का स्वागत है। राजन जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। चलिए DND ऐप आया था और अब उसके आगे ट्राई कुछ और कोशिशें कर रहा है ताकि ये अनचाही कॉल्स लोगों को ना जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है ये। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां भी क्या अपनी तरफ से कुछ ऐसा करने की सोच रही है या करेंगी जिनसे इन मार्केटिंग कॉल से और अनचाही कॉल से लोगों को छुटकारा मिल सके? Yes, we do agree that these unwanted calls are a nuisance. The TRAI has proposed various regulations and various solutions, but unfortunately, the telemarketers always find new ways, new technologies, and the major problem, as the TRAI chairman has rightly pointed out, comes from unregistered telemarketers. You, as a customer, can know when a telemarketer calls because they are required to use 140 as the prefix for numbers coming from them. They are registered, they are legal. So you can always know when it comes. Unregistered telemarketer calls from a regular number. We don't know, you don't know, and so it is difficult to stop those types of calls. And as the regulator rightly said, when you do identify them, they just shut off. It comes from machines, it comes from auto dialers. And so they shut it off, go get some other numbers and again start the business. Mr. Matthews, उस केस में क्या जब कोई आपका कस्टमर टेलीकॉम कंपनी को शिकायत करता है कि इस अनरजिस्टर्ड और इस प्राइवेट लगने वाले मोबाइल नंबर से हमें टेली मार्केटिंग कॉल आ रही है, तो क्या टेलीकॉम कंपनियां उस पर एक्शन लेकर उस नंबर को बंद करती हैं या करेंगी? Yes, of course. There are numerous occasions when complaints have been made by customers. They have been provided to the regulator. A regulator provides us with those. We have shut down many of these telemarketers and these resources, but again, unfortunately, they start operations the very next day under a different PAN number from a different location using various facilities. So the point that we have made is that telemarketers, you must take away the commercial basis for which they are making money. So one of the things that we have suggested to the regulator is please impose a interconnect charge on these telemarketing calls so that these unregistered telemarketers no longer make money out of these calls. That is one of the ways to address this problem. Okay, so aapke hisab se
आपके हिसाब से आईसीयू चार्ज लगाए तो शायद इससे छुटकारा मिल सकता है। महेश उपल, आप इससे सहमत हैं? आपके पास आपको लगता है कुछ और किया जा सकता है जिससे लोगों को इन अनचाही कॉल से छुटकारा मिले? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे राजन मैथ्यू जी ने भी कहा और जो शर्मा साहब ने भी कहा वो बिल्कुल सच है। इस ये जो प्रॉब्लम है ज्यादातर अनरजिस्टर्ड कॉलर्स की वजह से है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इनको बंद करना लगभग असंभव है, क्योंकि वो एक नंबर से नहीं करेगा तो दूसरे से कर लेगा, दूसरे से तीसरे। आम तौर पे लोगों के पास 5-5, 6-6 नंबर हैं, और जो इस किस्म के उसमें हैं उनके पास 100-150 नंबर होंगे, क्योंकि ये नंबर प्राप्त करना और लगभग उस पर कोई खर्चा वर्चा खास होता नहीं है। 25-30 रुपए में आपको एक नंबर मिल जाएगा, बल्कि उससे भी कम में। तो ऐसी हालत में हमको वो उपाय ढूंढने पड़ेंगे, जो पहली बात ये है कि अनरजिस्टर्ड लोगों को किसी तरीके से रोक सकें, जो इतना आसान नहीं। और दूसरा, यदि हम इनको रोक भी पाते हैं तो हमें ये समझना है कि ये प्रॉब्लम कोई एक आध नंबर की नहीं है, ये लाखों लोगों की है और करोड़ों लोगों के पास ये फोन आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हमको इस इनके अगेंस्ट यदि एक्शन लेना होगा तो जितने तक हम इस स्केल को हैंडल कर सकें हमारे लिए मुश्किल है। और दूसरी बात ये भी याद रखें, ठीक है, जब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, इस स्केल पर करना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है क्योंकि अब इनकी 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 कॉल्स की बाढ़ सी आ गई है। अब लगातार कॉल आ रहे हैं, पहले 140 से आते थे जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, अब तो प्राइवेट नंबरों से कॉल आ रहे हैं। इस हेराफेरी में जो जरूरी नंबर से लोग उनको भी नहीं उठाते अगर वो अनसेफ्ड है, तो ये समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका महेश उपल जी, रजन मैथ्यूज आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि टेलीकॉम कंपनियां भी अपने स्तर पर इसका कुछ हल निकालेंगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और बड़ी खबर आज बाजार से भी आई है। कल